5000 की आबादी वाली यह ग्राम पंचायत वर्तमान समय में प्रधान रिहाना के हाथों में है। इस ग्राम पंचायत की जिला मुख्यालय से दूरी लगभग 15 किलोमीटर है, तो वहीं ब्लॉक से दूरी 10 किलोमीटर ही है। वर्तमान समय में इस ग्राम पंचायत में लगभग 2500 वोटर दिखाई दिए, वहीं राशन कार्ड धारकों की संख्या लगभग 313 नजर आई। इसी के साथ कैमरे के सामने प्राइमरी व जूनियर हाई स्कूलों में छात्र छात्राओं की स्थिति काफी अच्छी नजर आई। जूनियर व प्राथमिक हाई स्कूलों में लगभग 500 बच्चे शिक्षा ग्रहण करते नजर आए। वहीं इस गांव में प्रधान द्वारा विकास कार्य तेजी से किया जा रहा है। प्रधान ने अपने गांव में सड़कों का निर्माण कराया है, साथ ही सोलर लाइटें भी सड़कों के किनारे लगी दिखाई दी, जिससे ग्रामीणों को कोई भी मुश्किल ना उठानी पड़े। गांव में पानी की व्यवस्था दुरुस्त कराने के लिए प्रधान ने गांव में 20 हैंडपंप भी लगवाए हैं। इसी के साथ 250 बिजली के पोल व 4 बिजली के ट्रांसफार्मरों की भी व्यवस्था की गई है। एबीपीएस टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने बताया कि उन्होंने राज्य सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द ग्राम समाज की जगह से कब्जा हटवाया जाए, जिससे ग्राम का विकास कार्य तेजी से किया जा सके। साथ ही ग्राम पंचायत में ग्रामीणों ने कैमरे से बात करते हुए बताया कि इस गांव में पानी की व्यवस्था ठीक नहीं है, साथ ही गांव में स्वास्थ्य सेवाएं भी बदहाल स्थिति में पड़ी नजर आई। कुदरकी ब्लॉक, जिला मुरादाबाद, तहसील बिलाली। बस वही समस्या हमारी तो भैया, गांव में ग्राम समाज दबी पड़ी है, सब लोगों ने बना लिया हुआ है, वही दिक्कत आ रही है। गांव का पानी निकासना बस इतनी जरूरत है कि वही पानी निकल जाए हमारे गांव का, तो काम सही हो जाएगा। पानी निकल जाए, पूरे गांव का बंद पड़ा है, ऐसे सब लोगों ने ग्राम समाज दबा लिए। रास्तों में परेशानी है बस। मेरा नाम अजीम अहमद है, मैं बरेडा खिजरपुर का निवासी हूँ। हमारे यहाँ प्राइमरी स्कूल की बाउंड्री बहुत दिनों से नहीं हुई है, और प्रधान जी भी कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब लोग अधिकारी लोग सुनते ही नहीं है। जरूर हमारी ये सुने, हमारे यहाँ की ये जो फील्ड है पूरा ऐसे ही है, इसे बाउंड्री करा में यहाँ पे स्कूल की बहुत अच्छी तरीके से बनवा, बहुत काफ़ी बिल्डिंग पुरानी है हमारे यहाँ की, और बच्चे पढ़ना आते हैं ऐसे खुला खजाना दिखते हैं, और पड़ोसियों को भी बच्चे दिख करते हैं जब बाउंड्री नहीं है। मास्टर भी क्या बार बार एप्लीकेशन दे दे के थक गए हैं, प्रधान जी भी एप्लीकेशन दे दे के थक गए हैं, लेकिन यह कोई सुनता ही नहीं है बाउंड्री के बारे में। प्लीज़ जिस पास भी ये वीडियो पहुँचे, प्लीज़ हमारे यहाँ के प्राइमरी स्कूल की बाउंड्री करा में, जिससे हमारे यहाँ बच्चों को अच्छी शिक्षा और पर्दे में पढ़ाई हो, जिससे क्या बच्चों पर कोई प्रभाव नहीं पड़े।